जम्मू के में पड़ रही भीषण गर्मी ने राजौरी के जंगलों में तांडव मचा हुआ है। गर्मी की वजह से देर रात यहां के जंगलों में भयानक आग लग गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक ही समय में इतने सारे जंगल इलाके में आग लग गई हो। वन विभाग आग बुझाने की कोशिशों में लगा हुआ है और आग की फैलती हुई लपटें जम्मू पुंछ हाईवे के करीब कल्लर सावनी दलोगड़ा नारिया इलाकों तक फैल चुकी है। आग की शुरुआत नारिया से हुई, जहां से बहस 100 मीटर की दूरी पर सेना का कैंप भी है। वहां सेना का गोला बारूद भी रखा हुआ है। अगर आग वहां पहुंचती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अमित शर्मा राजौरी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, आखिर क्या वजह है कि इतनी तेजी से आग फैल गई, किस तरह से आग लगी, कैसे ये आग इतनी आगे तक बढ़ गई? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि हर साल जो है जब गर्मी का मौसम आता है तो जब भारी यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण कई इलाकों में जो है आग लग जाती है, तो ये वही है। उसी तरह से कल भी यहाँ पे काफी गर्मी जो है वो पड़ रही थी और ये रात को 8 बजे के आसपास नौशहरा के जो आसपास के जंगल है, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर ये आग लग गई है। आग जो है हाईवे से बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है और हाईवे के पास में लोगों के लिए काफी डर भी है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरह से वहां पे अपना काम कर रही है ताकि आग जो है वो जो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे उनका मकान है, वहां पर आग ना पहुंचे। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ से जहाँ जिस जगह पे आग लगी है ये नौशहरा का लाम इलाका है और उसके साथ साथ में यहाँ पे नारिया इलाका पड़ता है। नारिया इलाके के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर जो है सेना का वहां पे कैंप है और सेना के वहां पे हथियार और अम्यूनिशन और जो गोला बारूद है वो रखा गया है। तो सबसे पहले वन विभाग का यही टीम का यही फैसला था कि इस आग को जो है सेना के कैंप के आसपास ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अगर सेना के कैंप के पास ये आग पहुंच जाती तो वहां पे काफी जो है नुकसान हो सकता था। वन विभाग की टीम जो है पूरी रात वहां पे लगी रही और अभी भी कुछ इलाकों में आग जो है पूरे राजौरी के कुछ इलाकों में आग जो है वो लगी हुई है और कुछ इलाकों में आग पर वहां पे काबू पा लिया गया है। जी, लेकिन अभी कितना और वक्त लग सकता है अमित, क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारियों से जब हमारी सुबह आज बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक जो है पूरे इलाके में आग को जो है वो बुझा दिया जाएगा, क्योंकि आग काफी फैल चुकी है और ये आग कल रात 8 बजे के आसपास यहाँ पे लगी थी और पूरी रात जो है आग पर ये यहाँ काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम जो है वो वहां पे कार्य करती रही। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की सर्विस जो है उसको भी बुलाया गया था ताकि आग अगर घरों में लगती है तो फायर ब्रिगेड जो है उसे बुझा सके। जी बिल्कुल, तो अभी आग पर काबू पाने में हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से ये भयंकर आग फैली है उससे आसपास के लोगों के लिए जरूर खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। काफी हद तक हमने फायर जो है कंट्रोल कर ली थी, लेकिन दोबारा फिर से फायर इंसिडेंट हो गया और ये थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी। हमने इसके अलावा हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मंगवा ली कि कहीं कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि नीचे बस्ती है और इसके लगभग 100 मीटर के दाएं साइड यह आर्मी का डिपो है, एम्युनिशन डिपो है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ काउंटर फायर कर दिया ताकि जो आग को हमने उसी इलाके में रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है और तकरीबन कोई 55 से लेके 60 कनाल के करीब जो इसका रकबा जो है वो इस वक्त जल गया है।